हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। माह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। सभी मोमिन मुसलमान भाई इस महीने में पांचों वक्त की नमाज अदा करते रोजे रख रहे हैं। अपने खुदाए पाक से दुआ ए मगफिरत और मुल्क में अमन सुख चैन और बीमारी से शिफा की दुआ करते हैं। इस पवित्र महीने में बुजुर्ग हो या नौजवान या फिर बच्चे सभी बड़े उत्साह के साथ रोजा रखते हैं। शाम को रोजे इफ्तार के वक्त खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगते हैं। अंजर नगर में आज नन्हे बच्चों ने भी रोजा रखकर एक मिसाल पेश की है। बड़वानी जिले में लगभग 46 डिग्री की गर्मी है और इतनी गर्मी में रोजा रखना, रोजे की हालत में पांचों वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज में मुल्क के लिए दुआ खैर कर ले एक मिसाल पेश करता है। 13 घंटे का रोजा रखकर बच्चों ने मिसाल पेश की है। आइए हम इन बच्चों से ही बात करते हैं, पूछते हैं इनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली जिनके लिए घर में रोजा और नमीज पाबंदी से पड़ी जाती है। इसके आश्रय परिवार में बच्चों को भी दिखाई देते हैं। मोहम्मद अरशद उम्र 5 साल, इस बच्चे ने जिंदगी का पहला रोजा रखा और नमाज अदा की है। नमाज पढ़कर अपने मन में हाथ उठाकर रब्बे इलाही से पूरे मुल्क में अमन सुख चैन खैर की दुआ की। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आज हम एक मुस्लिम परिवार के यहाँ आए हैं जिनके यहाँ पर एक बच्ची ने 6 साल की उम्र के अंदर अपने जीवन का पहला रोजा रखा है और उस बच्ची की तरफ आप देखिए उसकी उम्र क्या है और मासूमियत देखिए उस बच्ची की। इस बच्ची ने 44 डिग्री के तापमान में रोजा रखकर मिसाल पेश की है और इसको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है इसके बारे में हम अधिक जानते हैं इस बच्ची से। बेटी आपका नाम क्या है? आपको रोजा रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका नाम क्या है बेटा? जोया। आपकी उम्र कितनी है? 8 वर्ष। आपको रोजा रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम बात करते हैं अंजड़ मोहम्मदी मस्जिद के पेशीवाम अशरफ हाफिज साहब से। हाफिज साहब, इस साल रमजान का महीना कैसा चल रहा है? बड़ी खुशी की बात है, हर खास और आम के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि पिछले 3 साल तो लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन की वजह से हम मस्जिदों के अंदर जाकर नमाजें तरावी नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस साल लॉकडाउन ना होने की वजह से बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस हिसाब से कि नमाजें पूरी चैन और सुकून के साथ हम पढ़ पा रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, रोज़े खोल रहे हैं और पूरे मुल्क के लिए अमन अमान और चैन और सुकून की दुआएं चल रही है मुस्तकिल कि हमारे इस हिंदुस्तान पर, हमारे मुल्क पर और पूरी दुनिया पर कभी कोई आसमानी या ज़मीनी आफतें ना आए, इसके लिए पूरे रमज़ान के महीने में हर रोज़ दुआएँ होती रहती हैं। अभी हमने देखा है कि कुछ मासूम बच्चों ने भी रोज़े रखे हैं। माशाअल्लाह 44 डिग्री का टेम्परेचर है गर्मी का, आप उन बच्चों के बारे में कुछ कहेंगे? मैं उन बच्चों को और उन बच्चे के माँ बाप को और बधाई देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में इतने टेम्परेचर के अंदर ये छोटे बच्चे रोज़े रख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी और उनके माँ बापों के लिए भी और नगर अंजड़ के लिए बहुत खुशी का मौका है कि छोटे छोटे बच्चे अपने रोज़े रखकर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और अभी से बिल्कुल परिपक्व होते जा रहे हैं।